नमस्कार दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, अपलोड किया था यूट्यूब पे, जिसमें हमने ये दिया था कि सफलता चाहिए तो यात्रा कीजिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस पे कमेंट किया कि किस तरह से यात्रा करेंगे और यात्रा का क्या पर्पज़ है, और यात्रा के क्षेत्र में या यदि मुझे ट्रेवलिंग पसंद है तो हम कहाँ कहाँ जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए स्पेशल ट्रेवलिंग जॉब के कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं जिनमें आप अपनी कैरियर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से। दोस्त ये देखिए कि यदि आपको ट्रेवलिंग में मजा आता है, कई बार जो भी आपका कैरियर ऑप्शन है, आप पढ़ाई करते हैं 6x6 के रूम में, आप कई बार कई सालों तक अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उस 6x6 के रूम में या उस किताबी ज्ञान से या उस क्लासरूम के ज्ञान से तब तक कोई फायदा नहीं मिलता है जब तक आप जीवन में उसको व्यवहार में नहीं उतारते हैं। जब आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान होता है तो ही उस किताबी ज्ञान का भी जो है सही में फायदा। स्विमिंग की खूब सारी किताब आप पढ़ लीजिए, वो सारी किताब पढ़ने के बाद भी आप तैरना तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक आप खुद पानी में नहीं उतरते हैं। उसके लिए आपको पानी में उतरना जरूरी है। खैर, हम बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, हम तो बात सिर्फ ये करना चाहते हैं कि आप इतने पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के बावजूद यदि आपको ऐसा लगता है कि हम कंप्यूटर में कंफर्टेबल नहीं है, 8 घंटा 10 घंटा डेली बैठना और थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर में घूमना पसंद है आपको, या किसी ऑफिस वर्कर में आप जो है दिन भर ऑफिस में टेबल चेयर पे आप नहीं बैठ सकते हैं, या आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमेशा एक खुले स्वतंत्र क्षेत्र में आपको जो है मन लगता है और वहां पे आप कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए ही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ दो चार ऐसे खास जॉब जहाँ पे आपको करियर बनाना आसान हो सकता है। क्योंकि तो कंप्यूटर के सामने 8 घंटे बैठना या किसी दफ्तर में 9 से 5 की नौकरी करना शायद आपके लिए वो ऑप्शन ना हो, आप उसको पसंद ना करते हो। तो दरअसल ऐसे लोग ट्रेवल करने की जो है काम पसंद करते हैं, और इसके कई सारे आपके अपने फायदे भी हो सकते हैं। और खास जो है जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है उसको कंपनी बियर करे, ठीक ना, तो आप और स्वतंत्र हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग उसमें थोड़ा बचा भी लेते हैं तो उसका भी एक अपना फायदा है। तो हो सकता है कि आप भी ऐसे लोगों में से एक हो, क्योंकि तो हमारे उन वीडियोज में जब हमने दिया था कि सफलता के लिए यात्रा कीजिए तो काफी सारे लोगों का कमेंट्स आया था, तो उसपे ही हमने ये कुछ सिलेक्ट करके आपके लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ कि ट्रेवलिंग में कहाँ कहाँ आप जो है जॉब जो है अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रेवलिंग जो है खर्च भी आपको नहीं लगना है, और ऐसे में जॉब करने का मजा ही जो है कुछ अलग सा हो जाता है। क्योंकि तो खुद का खर्च करने में उतना मजा नहीं आता है जब कंपनी खर्च करती है या गवर्नमेंट जो है खर्च करती है, और तब आप घूमने फिरने जाते हैं तो कई सारी चीजों की अध्ययन करते हैं और कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए एक्सप्लोर होती है। तो आइए इस दुनिया को घूमते हुए कमाई का जरिया आप कैसे बना सकते हैं इसको हम देखते हैं, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आप उन लोगों के लिए है जो जिनका पैशन है, जिनका एक विश्वास है कि ही कैन फ्लाई, इफ यू कैन फ्लाई यू कम टू सी दी मोस्ट ग्रूमिंग जॉब नाउ ए डेज इज इवेंट कोऑर्डिनेटर। आप देखिए बड़े बड़े आज के डेट में इवेंट होते हैं तो व्यक्ति खुद से पहले मैनेज करता था प्राचीन काल में, लेकिन आज वो संभव नहीं है। वह चाहता है कि हम पैसा फेंके और तमाशा देखें, अर्थात वह चाहता है कि रेडीमेड सब कुछ हो। रेडीमेड कौन करेगा? तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना आज के डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क भी है और मजेदार भी है। और इवेंट कहीं एक शहर में तो होगा नहीं, आप एक शहर में यदि रहना चाहते हैं तो वहां इतने इवेंट नहीं होते हैं कि आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कैरियर यदि इवेंट कोऑर्डिनेटर के तरह में आप बनाते हैं तो आपको आज इस शहर, कल उस शहर, परसों उस सिटी, ठीक ना, उस स्टेट में, उस कंट्री में, तो इस तरह से आपको शादी के फंक्शंस हैं या कहीं कॉन्फ्रेंस हैं, ठीक ना, या आप जो है कहीं बर्थडे पार्टी है या कहीं ट्रेड शो इवेंट है, ट्रेवलिंग में एज ए इवेंट कोऑर्डिनेटर काम कर सकते हैं। इवेंट कोऑर्डिनेटर के बाद मैं आपको एक दूसरा जो सबसे बेनिफिशियल जो है ट्रेवलिंग जॉब है वो है लैंग्वेज टीचर।
यदि आपको अपने लैंग्वेज पे कमांड है, चाहे आपको जो भी लैंग्वेज आता हो, चाहे हो सकता है कि वह इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, गुजराती हो, या फ्रेंच हो, या जर्मन हो, जो भी, या चाइनीज हो, जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं, बेसिकली दुनिया ग्लोबलाइजेशन के चलते एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आना चाहती है। इसलिए कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप लैंग्वेज सीखेंगे, और चूंकि इंग्लिश को हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित कर चुके हैं, तो इसकी हर जगह अपॉर्चुनिटी है, खास करके ट्रांसलेटर का। तो भारत में हो कि भारत के बाहर, सभी जगह है इंग्लिश हैज बिकम ए सेकेंड लैंग्वेज। तो इंग्लिश टीचर की तो काफी डिमांड है ही। जब आप किसी दूसरे देश या जगह पर एज ए लैंग्वेज टीचर के तौर पर काम करते हैं, तो वहाँ की मूल भाषा, वहाँ की संस्कृति को समझने का भी मौका मिलता है। इसके लिए आपका इंग्लिश ग्रेजुएट होना जरूरी है। उसी तरह से जैसे आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रेंच, और फिर इसमें कहने का मतलब है कि दो चार पांच लैंग्वेज जो है, जैसे ये हमने स्पिरिचुअल लर्निंग का एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो गीता जो है 600 से ज्यादा लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेटेड है, लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज को उस तरह से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो मूल भाषा क्या है, हिंदी है। तो आप जैसे फ्रांस में जाते हैं, तो एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, आपका जो है इसमें मूल भाषा यदि आपकी हिंदी है, तो हिंदी भी पकड़ है, उस चीजों को आप फ्रेंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। उसी तरह से जहाँ पे दो लीडर की मुलाकात होती है, तो वहां भी जो है आप ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं। तो दैट इज ए लैंग्वेज, दैट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी वही है कि आपको ट्रेवलिंग ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आज आप यहाँ है, कल आपकी जरूरत कहीं और होगी, या किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ है जो ट्रेवल कर रहा है वर्ल्ड वाइड, जैसे हमारे मोदी जी हैं, पूरा दुनिया घूमते रहते हैं, तो उनको क्या हर लैंग्वेज आती है? बिल्कुल नहीं। तो वो अपने साथ ट्रांसलेटर को रखते हैं, तो वहाँ की मूल संस्कृति को, वहाँ के लैंग्वेज को वह जानता है, और इनको समझाता है, फिर ट्रांसलेट करता है। जब दो लीडर मुलाकात करते हैं, तो वहाँ भी जो है दोनों के अपने ट्रांसलेटर होते हैं, तो वहाँ आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है, और आप भी इसमें पूरी दुनिया घूम सकते हैं। इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी कमाई भी। नेक्स्ट जो टूरिंग जॉब है, दैट इज इंटरनेशनल एड वर्कर। दुनिया में इस सहायता मांगने वाले लोगों की, जरूरतमंद लोगों की शायद कमी नहीं है। इसके लिए भारत सरकार भी और दुनिया की लगभग सारी सरकारें अपने कुछ वॉलेंटियर्स को प्रमोट करती हैं, और जगह जगह पे जा करके, चाहे कहीं फ्लड आ गया हो, या कहीं तूफान आ गया, या कहीं कोई बीमारी फैल गया, तो उन जगहों पे जा करके आप जो है उनकी सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हेल्प करने के, लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें भी काफी टूर करना पड़ता है, और इसमें आपका मन तभी लगेगा, और इसमें नहीं, किसी भी काम में यदि मन लगता है, तो ही वहां सफलता आपको मिल सकती है। तो इसमें थोड़ा सा सेवा भावना आपके अंदर है, ठीक ना, आपके अंदर मानवता थोड़ा सा एक लेवल से ज्यादा है, तो ही आप इसमें लीड कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ भी जो है चीजों को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जैसे तूफान आया, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, उस अस्त व्यस्त में आप भी अस्त व्यस्त हो जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा। यू विल नीड टू बी मैनेज बाय योर सेल्फ फॉर द मैनकाइंड। तो इस तरह से आप, संयुक्त राष्ट्र के बहुत सारे अभियान चलते रहते हैं, भारत सरकार के एनडीआरएफ टीम है, वो भी इस तरह से काम करते रहती है, तो वहां भी आप इसमें जो है कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप यात्रा में रहने के दौरान लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। ये नेशनल एड ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ सकते हैं। इस जॉब के साथ ही आप उन देशों में भी जा सकते हैं जहाँ कहीं भी प्राकृतिक आपदा आ गया, या कुछ ऐसा आतंकवादी हमला हो गया, या कहीं युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। तो इसमें अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो रुचि है, अभिरुचि जो है, किस में है, स्वास्थ्य में है, या एग्रीकल्चर में है, एजुकेशन में है, या समाज में है। तो जहाँ भी है, वहाँ पे आप जा करके उस पर्टिकुलर काम को आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए। नेक्स्ट जो है दैट इज द ट्रेवलिंग नर्स। नर्स, आप कभी भी हॉस्पिटल जाते होंगे, तो ये बेसिकली लेडीज की
बात होती है नर्स, हम लोग सिस्टर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप एज ए जेंट्स भी, क्योंकि हमने ऐसा कोई यहाँ पे जॉब नहीं लिया है जिसमें सिर्फ लेडीज ही हो, क्योंकि लेडीज और जेंट्स में ठीक है अपने जगह पे जो नेचुरल डिफरेंस है, बट इन प्रोफेशनलिज्म ईच एंड एवरी वन आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो यहाँ भी आप अपनी कैरियर बना सकते हैं। इस जॉब में आपको कई बार जगह बदलनी पड़ती है, इसमें रहते हुए आपको अपने देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ सकता है। इस जॉब से मतलब जुड़े सारे खर्च भी आपका जो है गवर्नमेंट उठाती है, तो आपको कहीं इसमें थोड़ा भी जो है चिंता की बात नहीं। आपको रहने खाने पीने सब चीज़ की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड नर्स होना जरूरी, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना जरूरी है। डायरेक्ट आप इसमें कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली कहीं नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रेवलिंग नर्स का भी आप जॉब कर सकते हैं। ये भी जो है बहुत ही जो है आज के डेट में ग्लूमिंग जॉब है, इसकी डिमांड है, अच्छी खासी डिमांड है। नेक्स्ट और लास्ट जो है करेंगे, लास्ट जो जॉब है हमारा, दैट इज द ट्रेवल राइटर। जीवन की हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो आपकी कहानी की जो है लेंथ और लाइन कुछ और बड़ा हो जाता है। क्यों? कि आपके पास की जगह जगह घूमने का भौगोलिक ज्ञान आपका बढ़ जाता है, सामाजिक ज्ञान बढ़ जाता है, और आप जो है डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करने लगते हैं, चीज़ों को जानने लगते हैं, और ये सब चीज़ जान करके आप एक कंक्लूजन निकाल पाते हैं। आप हमेशा एक पॉजिटिव कूल और डिसेंट रहने की कोशिश करते हैं, हर जगह अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करने लगते हैं, और इन सब के बीच आपको बहुत सारे नेटवर्क बनते हैं, बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। उन अनुभवों को आप पिरो करके कहीं किताब में किसी आने वाले जनरेशन के लिए कुछ लिख सकते हैं, अपने लिए लिख सकते हैं, समाज के लिए लिख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, कई सारी कंपनी भी आपको ये डायरेक्ट जॉब जो है प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। इसमें फुल टाइम या पार्ट टाइम की भी पोजीशन होती है। इसके अलावा आप फ्रीलांसर्स का के तौर पे भी आप अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं, मैगजीन्स लिख सकते हैं, और पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका भले हो या ना हो, लेकिन आप मशहूर ट्रेवल लोकेशंस के बारे में अपनी जानकारी को लिख सकते हैं, और आप एक मशहूर जो है ट्रेवलर बन सकते हैं। आप आपके अनुभवों को बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले जो है डिमांड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेवल राइटर भी बन सकते हैं, और जहाँ भी आप ट्रेवलिंग कीजिए उसके बारे में, उसकी कल्चर को और अपने अनुभव को आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम, इट माइट बी योर ड्रीम। बट ट्रेवलिंग का जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, मैं आपको बता करके अपने वीडियो की अंतिम कड़ी में जो है आपको ये जो है स्ट्रिक्टली मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेवलिंग करते हैं, टूरिंग करते हैं, तो उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्त, उसमें है आपका हेल्थ। क्योंकि हेल्थ जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारा, हमेशा एक रूटीन खोजता है, और जब आप ट्रेवलिंग करते हैं तो रूटीन डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपके अनुसार चीजें नहीं होती हैं। चाहे आप इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं, या लैंग्वेज टीचर हैं, या ट्रेवलिंग नर्स हैं, ट्रेवल राइटर हैं, इंटरनेशनल को वर्कर हैं, या घूमने के शौकीन ही क्यों ना हो आप, या एक सेल्समैन ही क्यों ना हो कि पूरे इंडिया टूर कर रहे हैं, वर्ल्ड की टूर लगा रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, बट एनीवे चूंकि टूरिंग आपकी जो है चॉइस है, और आपने ट्रेवलिंग जॉब जो है ऑप्ट कर रखा है, तो उसमें जो है बिल्कुल बायोलॉजिकल डिसऑर्डर होना स्वाभाविक है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शुभ चिंतकों, मैं भी चूंकि आपका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कीप योर हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी। आप सबसे पहले अपने रूटीन को मेंटेन कीजिए, योग जरूर कीजिए जहां भी समय मिलता है, अपने पेट पे, स्टोमेक पे, अपने आहार चिकित्सा पे ध्यान दीजिए कि क्या आपको खाना चाहिए। भूखे रह जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आलतू फालतू चीजें यदि आपने खा लिया तो शायद वो एसिडिटी, और हो सकता है कि आप कहीं इवेंट करने जा रहे हैं और पूरी प्लानिंग ही आपकी जो है टाइम टाइम फीस हो जाए। इसलिए हेल्थ को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, और साइड में जो है कुछ पैसे जरूर रखिएगा, क्योंकि कब कैसी जरूरत पड़ती है, एटीएम कार्ड और वगैरह वगैरह रखेंगे, बट इट इज द सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी इज द हेल्थ।
हेल्थ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया निरोगी काया, पास में हो माया, अर्थात पैसे रुपए होनी चाहिए तो ही आप इन सब चीजों का आनंद ले पाएंगे। इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से आप ट्रेवलिंग में कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। यदि ट्रेवलिंग आपका पसंदीदा एक चॉइस है, आप पसंद करते हैं ट्रेवलिंग, टूर करना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, तो उसमें आप अपने कैरियर को भी जो है देख सकते हैं, उसमें आप अपने कैरियर को जो है निखार सकते हैं, और जीवन में निरंतर सफलता के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए हमारे इन वीडियोज को देखते रहिए। हमारे वीडियोज जो है आपको जो है सेक्रेट ऑफ सक्सेस पे, लाइफ मैनेजमेंट पे, कैरियर मैनेजमेंट पे, एंड मेनी मोर वीडियोज यू विल कैन गेट हियर। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर रिलेवेंट पर्सन, विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।